दोस्तों केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है सभी डिप्टी कमिश्नर ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन ऑल रीजनल ऑफिसेस के लिए 21 नवंबर की नोटिस और मोस्ट अर्जेंट नोटिस है। अभी ये नोटिस एक नई भर्ती के संबंध में जिसका नाम आप लोग जानते होंगे स्पेशल एजुकेटर की भर्ती, आप लोग सब लोग वाकिफ होंगे। तो अभी हाल ही में आप लोग जानते होंगे कि हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें कहा गया था कि 60 दिन के अंदर यानी 2 महीने के अंदर स्पेशल एजुकेटर की भर्ती सभी विद्यालयों में की जाए और इसका मैंने वीडियो भी बनाया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया हुआ था। देखिए 2 दिन पहले का वीडियो है, यहाँ पर देखो मैंने कवर किया था केवीएस के 2 महीने में बंपर भर्तियां आएंगी। तो फिलहाल ये नोटिस जारी हो चुकी है और आपके सामने है और इसमें एजुकेशनल स्पेशल एजुकेटर की जो भर्तियां उसके लिए नोटिस जारी की गई है। यहाँ पर देखो सारी चीजें बताई गई कि स्पेशल एजुकेटर की भर्तियां यहाँ पर होनी है सभी विद्यालयों में। लगभग 1250 के आसपास ऑल ओवर इंडिया में केंद्रीय विद्यालय है और इन सभी पर भर्तियां होंगी। लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि कुछ केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जहां पर पहले से ही स्पेशल एजुकेटर जो है वो कार्यरत हैं, वहां पर पहले ही भर्ती कर ली गई है। तो उन विद्यालयों को छोड़ करके जहां पर जो है भर्तियां नहीं हुई है, ठीक है, उन पर यह भर्तियां होंगी। यहाँ पर देखो मेंशन, देयरफॉर इट इज रिक्वेस्टेड टू डायरेक्ट ऑल द प्रिंसिपल्स अंडर द रीजन टू एंगेज स्पेशल एजुकेटर इन ऑल केवीज इमीडिएटली इफ नॉट एंगेज्ड अर्लियर। क्वालिफिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय आरसीआई फॉर स्पेशल एजुकेटर इज टू बी फॉलोड फॉर एंगेजिंग स्पेशल एजुकेटर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। यानी अभी ये जो भर्तियां कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होंगी और जब परमानेंट टीचर्स आ जाएंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट टीचर जो है हट जाएंगे। कहने का इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है कि परमानेंट टीचर आ जाए, इसलिए वजह से यहाँ पर यह कहा गया अभी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भर्तियां कर लीजिए, इसके बाद जैसे ही परमानेंट टीचर आ जाएंगे तो ये जो रहेंगे वो हट जाएंगे। और यहाँ पर देखो तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसको भी यहाँ पर देखो इन लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि इट इज ऑब्जर्व दैट सम केवीएस आर ऑलरेडी एंगेज्ड स्पेशल एजुकेटर्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस बट मेनी केवीएस आर नॉट एट टू एंगेज स्पेशल एजुकेटर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एज दिस मैटर इज सब्जेक्टाइज बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट लेटेस्ट पोजिशन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशल एजुकेटर, ठीक है। और यहाँ पर सारी चीजें मैंशन है। तो कुल मिलाकर के जल्दी जल्दी में ये भर्तियां हो रही हैं और सभी जिलों सभी मतलब केंद्रीय विद्यालयों से स्पेशल एजुकेटर की भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप इसके निर्धारित पात्रता रखते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। हालांकि अभी भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी, आने वाले टाइम पर परमानेंट भी भर्ती यहाँ पर आएगी। और यहाँ पर जो है सारी प्रक्रिया बहुत जल्द करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर देखो लिखा है कि एक्शन taken report on this matter may be forwarded to this office on or before 30/11/2022 और इस ईमेल आईडी पर जो है वो सारी चीजें भेजनी है। यानी सभी विद्यालयों से कहा गया आप लोग इस कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती के लिए अपनी तरफ से ज़रा प्रोसेस करिए, जो भी उसकी रिपोर्ट है वो 30 नवंबर के पहले पहले हमें बताइए कि क्या आपने किया इसमें आगे। तो एक अच्छी खबर है कि यहाँ पर आने वाले टाइम पर स्पेशल एजुकेटर्स की परमानेंट भर्ती भी देखने को मिलेगी। बाकी जो अभी इंटरेस्टेड है इस भर्ती के लिए तो इसमें आप लोग चाहें तो आवेदन कर दीजिए अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों की तरफ से, रीजनल ऑफिस की तरफ से। बहुत जल्द आपको स्पेशल एजुकेटर की भर्ती देखने को यहाँ पर मिलेगी। बाकी आप सभी को बताना चाहेंगे जो भी अभ्यर्थी केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीआरटी टीजीटी और पीजीटी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, परमानेंट भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी भर्तियों के प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस सेट और ये सारी चीजें देखो यहाँ पर अवेलेबल हैं। पीआरटी का आप लोग जानते हैं एक मतलब सभी एक ही पेपर होता है और टीजीटी का भी पेपर अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं होता, जनरल पेपर एक होता है। तो पीआरटी और टीजीटी का तो सभी विषयों का टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल जाएगा, बाकी पीजीटी के 3 विषयों का अभी अवेलेबल है, बाकी का जल्द अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज अगर लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन का नाम है, गूगल प्ले स्टोर से आप इसको मतलब डाउनलोड कर सकते हैं और आगे यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं।